नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। यूपी में छठे चरण के लिए गुरुवार को थमा चुनाव प्रचार, 25 मई को इन सीटों पर मतदान। छठे चरण में 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। यूपी में छठे चरण में प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, भदोही, लालगंज, मछली शहर और आजमगढ़ संसदीय सीट के अलावा बलरामपुर की गैसडी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इस चरण में कुल 162 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रतापगढ़, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर में शाह की रैली, जनता को संबोधित करते हुए बोले, संविधान नहीं देता धर्म के नाम पर आरक्षण, मुस्लिम रिजर्वेशन करेंगे खत्म। यूपी में बोले अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन का मकसद SC ST और OBC के आरक्षण पर डाका डालने का है। हमारे पिछड़े वर्ग के आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया था। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता। आगे उन्होंने कहा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया है। जौनपुर, प्रतापगढ़, मछली शहर और श्रावस्ती में अखिलेश यादव की रैली, जनसभा को संबोधित करते नजर आए। अखिलेश विपक्ष पर जमकर बरसे, बोले ये BJP वाले और BSP वाले अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। ये जितने भी आपके विरोध में दिखाई दे रहे हैं, एक समय था सब आपकी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। बताओ क्या ये खेल हमको समझ नहीं आता है क्या? जौनपुर वाले जानते होंगे, इनके दिल्ली और लखनऊ के इंजन टकरा रहे हैं। सामने कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इनके इंजन टकरा रहे हैं। टिकट कटने के 2.5 महीने बाद दिखे वरुण गांधी, सुल्तानपुर में हुए भावुक। मां मेनका गांधी के लिए कही ये बात। सुल्तानपुर से BJP प्रत्याशी अपनी मां मेनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे वरुण गांधी। टिकट कटने के बाद पहली बार वो किसी मंच पर नजर आए। लोगों से भावनात्मक होते हुए वरुण ने कहा कि जब मैं पहली बार सुल्तानपुर आया था तो मुझे अपने पिताजी की खुशबू मिली थी, लेकिन आज मुझे कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं अपनी मातृभूमि में आ गया हूँ। पूरे देश में एक ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ की सांसद को लोग ना सांसद जी ना मंत्री जी के नाम से बुलाते हैं, बल्कि माता जी कहकर बुलाते हैं। माँ के अंदर परमात्मा के बराबर शक्ति होती है। पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, लेकिन माँ कभी नहीं साथ छोड़ती। आज मैं केवल अपनी माँ के लिए समर्थन जुटाने नहीं आया हूँ, बल्कि सुल्तानपुर की माँ के लिए समर्थन मांगने आया हूँ। सबकी अपनी किस्मत अपनी राह। राहुल वरुण को लेकर मेनका गांधी का चौंकाने वाला जवाब। भाजपा नेता और सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार मेनका गांधी ने राहुल गांधी और वरुण गांधी के बीच तुलना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सबके अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी किस्मत है। अगर काबिलियत है तो सब अपना रास्ता ढूंढेंगे। बाकी मैं एक और दूसरे की क्षमताओं पर कभी नहीं बोलती। सबके अपने अपने रास्ते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने पवित्र गंगा में लगाई डुबकी। CM योगी ने दी बधाई। देश भर में आज बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालु सवेरे से ही गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। काशी और प्रयागराज में गंगा के घाटों पर सवेरे से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा है। सुबह से ही गंगा में डुबकी लगाने का सिलसिला अभी जारी है। वाराणसी के घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु देखे जा सकते हैं। इस दिन गंगा का स्नान शुभ माना जाता है। अनुप्रिया और राजा भैया की जुबानी जंग का असर मिर्जापुर तक। पटेल समाज को एकजुट करने की बड़ी खींचतान। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बीच जुबानी जंग का असर चुनाव पर पड़ने के आसार है। अनुप्रिया प्रतापगढ़ सीट पर राजा भैया पर हमला कर चुकी हैं। अब चर्चा है कि राजा भैया उनके खिलाफ मिर्जापुर में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। ऐसे में नजदीकी मुकाबले वाली इन सीटों पर सियासी सरगर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।